नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पॉकेट मनी में। मेरा नाम है प्रसून अग्रवाल। आज मैं आपके सामने आया हूँ बहुत ही धमाकेदार खबर के साथ, जो कि आपके जीवन में फिर से बदलाव लाने वाला है। एक कह सकते हैं डिमोनेटाइजेशन का एक आफ्टर इफेक्ट है। एक अच्छी खबर है और एक ख़राब खबर है। ख़राब खबर को भी आप अच्छी समझ सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप इसे कैसे लेंगे। तो पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि एक मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि 2000 रुपये का जो नोट आप यूज़ कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन आरबीआई ने, उसकी प्रिंटिंग जो है आरबीआई ने बंद कर दी है फिलहाल। और अभी पूरा ध्यान उनके एक नए तरीके के नोट पे है। वो नोट क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। 2000 रुपये का नोट बंद करने का पीछे कारण यही था कि उसका यूटिलाइजेशन जो था वो मार्केट में नहीं हो रहा है, मार्केट में एक्सेस कैश हो गया है, इसलिए उन्होंने 2000 रुपये का नोट बंद किया है। और लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम भी आ रही थी 2000 रुपये के नोट के लेके, और इसलिए भी उन्होंने बंद किया। अभी नई खबर क्या है, नया नोट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी चल रही थी, अगर आपने देखा होगा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आपके सामने आई होंगी, कुछ खबरें भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको वो नोट दिखाता हूँ। ये देखिए 2000 रुपये का ये नोट कुछ ऐसा था। आपके पास, आपकी पॉकेट में, वॉलेट में, पर्स में, जेब में आपके पास होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर, और आप इसका पूरा मज़ा ले सकते हैं। अभी आपको छुट्टी की समस्या, फुटकर की समस्या आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है अभी। लेकिन मैं आपसे कुछ बात करता हूँ डिमोनेटाइजेशन से संबंधित, जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं बाज़ार में और रिपोर्ट्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में, और गवर्नमेंट ने भी इसको इशू किया है, माना है कि जब नोटबंदी हुई उस समय मार्केट में 6.3 बिलियन नोट्स 1000 रुपये के थे, 6.3 बिलियन नोट्स 1000 रुपये के थे, जो कि बाद में 2000 के नोट से रिप्लेस करे गए। और 3.7 बिलियन नोट्स, करीब 7.4 लाख करोड़ रुपीज़ जो है इशू करा गया 2000 के नोट के रूप में। यानी 1000 रुपये के नोट के मुकाबले कहीं ज़्यादा नोट 2000 रुपये के नोट करेंसी की वैल्यू में, अगर वैल्यू के टर्म्स में मैं बात करूं तो इशू करे गए हैं। यानी एक तरीके से जो कहा जा रहा था कि मार्केट में कैश कम हो जाएगा या कैश को कंट्रोल हम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। या आप कह सकते हैं, आप बहुत सारे लोग समझेंगे कि नोटबंदी इस तरीके से तो फेल हो गई, लेकिन इसके एक इतनी जल्दी डिसीजन पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे एनालिसिस के स्वरूप हैं। आपको हर एक रूप देखना पड़ेगा, किस रूप में आप एनालिसिस कर रहे हैं उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो देश की सबसे बड़ी रिटेल बैंकिंग में है, आरबीआई के बाद सबसे बड़ी बैंक है। आरबीआई तो मेन हेड बैंक हो गई, लेकिन रिटेल सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके एक रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले, उसमें बोला गया है कि 84% यानी जितना भी नोट बंद करा गया था 500,000 का, उसका 84% करेंसी इन सर्कुलेशन, जिसे शॉर्ट में CIC भी बोलते हैं, वो हो चुका है। 84% जो है करेंसी है जो वापस सर्कुलेशन में आ गई है, केवल 16% का डेफिसिट रह गया है। अब SBI में जो लास्ट 19 जुलाई के दिन तक की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार, उनका कैश इन हैंड यानी कैश इन हैंड का जो रेशियो है वो 5.4% था। इसी सेम पीरियड में जब नोटबंदी से पहले ये जो होता था वो 3.8% होता था। यानी अगर आप देखेंगे कैश इन हैंड जो है वो बढ़ गया है, 5.4% पे चला गया है 3.8 से। आपको ये परसेंटेज बोलने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन वैल्यू टर्म्स में ये कई लाख करोड़ तक हो सकता है। और इसमें ज़्यादातर हिस्सा वो पैसा है जो ATM में, कैश मशीन में पड़ा हुआ है, जिसको लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ज़्यादातर जो हैं 2000 रुपये के नोट हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा किया गया। देखिए 2000 रुपये का नोट, बहुत सारे लोग भी इस बात को कह रहे थे कि ये 2000 रुपये का नोट नहीं आना चाहिए था, 2000 रुपये का नोट क्यों आया। अगर नोटबंदी काले धन को रोकने के लिए हुई थी तो 500,000 रुपये के नोट जो लोग कैश में रखते थे उनके लिए तो एक और बढ़िया एक मौका हो गया कि 2000 रुपये के नोट जब वो रखेंगे तो ज़्यादा ब्लैक मनी कम जगह में वो रख पाएंगे। यानी पहले आप 1 लाख रुपये एक गड्डी होती थी 1000 रुपये की, लेकिन आज वो एक आधी गड्डी में ही यानी 50 नोट में ही आपके 1 लाख रुपये हो जाते हैं। तो आसान हो गया था 2000 रुपये के नोट के साथ। लेकिन गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, 2000 रुपये के नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी है, अब उसे कंट्रोल कर रही है। यानी एक कंट्रोल का तरीका क्या हो सकता है, जो नोट बैंक में जाएगा वो आपको वापस नहीं मिलेगा। एक तरीका ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही होगा, तो आप लोग पैनिक ना करें। कोई अभी नोट बंद नहीं हो रहा है, ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई साइन नहीं है कि वो बंद होगा। हाँ, कंट्रोल जरूर होगा, हो सकता है वो सर्कुलेशन में कंट्रोल करने के लिए बैंक से रीइशू ना करें नोट, इसीलिए ये 200 रुपये का नोट लाया गया है, जो कि आपका एक गैप फिल करेगा, 500 से 2000 के बीच का गैप भी फिल करेगा, और मार्केट में जो फुटकर की समस्या आ रही थी उसको भी एक सॉल्व करेगा। 2000 के जो नोट बंद आया उसके पीछे भी यही कारण थे कि उस समय जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बोला भी 2000 का नोट नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो लाने का एक कारण था कि जो पैनिक सिचुएशन हुई उस समय,
और 500 के नोट जब प्रिंटिंग नहीं हो पा रही थी, आप सबने जाना कि 500 के नोट बहुत दिन बाद अवेलेबल हुआ था, तो 2000 के नोट ने उस स्थिति को बैलेंस किया, लोगों के पास कुछ कैश आया, भले ही हाँ उनको फुटकर की समस्या थी वो एक समस्या अलग थी, लेकिन कम से कम पैसा तो था हाथ में। इस सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ लाया, तो आप मुझे उम्मीद है कि इस, लेकिन डिमोनेटाइजेशन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई उन लोगों के लिए जिनको एक नई करेंसी देखने का शौक है। हम लोगों को बचपन में भी बड़ा नई करेंसी देखने का शौक होता था, जब भी नई करेंसी आती थी बहुत दिन तक हम खर्च नहीं करते थे, तो इस जनरेशन को बहुत जल्दी बहुत सारी नए नए तरीके के नोट देखने के मिले। हम लोगों को इतनी जल्दी नहीं मिलते थे, पहले इतनी जल्दी जल्दी नोट्स इशू नहीं होते, 10-10 साल 15-15 साल तक वही डिज़ाइन के फॉर्मेट के नोट्स चलते थे, लेकिन अब बड़ा 1-1.5 साल के अंदर काफ़ी सारे नोट्स बदल गए हैं, सारे ही नोट्स लगभग चेंज हो गए हैं, 500 का भी चेंज हो गया है, 2000 का भी आ गया हो गया है, नया नोट आ गया है, 200 का आने वाला है, 100 रुपये के नोट की भी नई डिज़ाइनिंग चल रही है, ऐसी न्यूज़ हैं, तो सब कुछ धीमे धीमे चेंज हो रहा है। तो आप इंजॉय करें, अपने पॉकेट का मज़ा लें पॉकेट मनी के साथ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इस वीडियो को, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, और रिस्पेक्ट योर नेशन, फॉलो योर हार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।